फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू टीवीआर स्टडी। फ्रेंड्स, प्रीवियस क्लास में आप लोग पढ़े थे फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। आइए अब देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। सॉरी, पिछले क्लास में आप लोग फ्यूचर परफेक्ट टेंस में आप लोग असर्टिव सेंटेंस पढ़े थे, है ना। अब पढ़ना है निगेटिव सेंटेंस। तो आइए देखते हैं निगेटिव सेंटेंस में अनुवाद करने का नियम। सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या होगी? शैल हैव और विल हैव, है ना। शैल हैव और विल हैव। मेन वर्ब क्या होगी? मेन वर्ब थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। कह रहा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब शैल है, विल है, निगेटिव सेंटेंस है, तो इसी में नॉट का प्रयोग हो जाएगा। शैल और विल के जस्ट बाद नॉट का प्रयोग करेंगे, क्योंकि हमारी हेल्पिंग वर्ब कितने, दो शब्दों की है ना, नॉट हैव, विल नॉट हैव, शैल नॉट हैव, विल नॉट हैव, मेन वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो एग्जांपल देखते हैं, पुलिस इस सप्ताह के अंत तक, इस सप्ताह के अंत तक गिरफ्तार नहीं, पुलिस इस सप्ताह के अंत तक उस अपराधी को गिरफ्तार नहीं कर चुकी होगी। कह रहा पुलिस इस सप्ताह के अंत तक उस अपराधी को गिरफ्तार नहीं कर चुकी होगी। तो आइए इसका ट्रांसलेशन देख लेते हैं। सब्जेक्ट क्या है? पुलिस। द पुलिस। अब पुलिस के साथ क्या प्रयोग करेंगे? विल हैव। नॉट का प्रयोग इसी के बाद करेंगे। नॉट हैव, विल नॉट हैव। गिरफ्तार करना क्या है? मेन वर्ब है, मेन वर्ब अरेस्ट। यहां पे क्या करेंगे? अरेस्टेड। गिरफ्तार कर चुकी होगी। ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? उस अपराधी, दैट क्रिमिनल। उस अपराधी को। अब बच क्या रहा है? इस सप्ताह के अंत तक, है ना, टाइम ऑफ एडवर्ब है, इस सप्ताह के अंत तक, बाई द एंड, अंत तक, परंतु यहां इसका अर्थ क्या होगा? तक, बाई द एंड, अंत तक, इस सप्ताह के, दिस वीक, इस सप्ताह के अंत तक, द पुलिस विल नॉट हैव अरेस्टेड दैट क्रिमिनल बाई द एंड दिस वीक, इस सप्ताह के अंत तक। तो अगला वाक्य देखते हैं, मोहन हैज नॉट रिटेन दिस लेटर
this letter by tomorrow. तो आप क्या कह रहा है, मोहन हैज नॉट रिटेन, मोहन नहीं लिख चुका है दिस लेटर, इस पत्र को टुमारो, टुमारो माने आने वाला कल, है ना। आपको बताया गया है यदि भविष्य काल में, यदि किसी वाक्य में भविष्य को बताने वाले शब्द लगे हो तो उसको किस में करते हैं, फ्यूचर में ही करते हैं। तो यहाँ क्या कह रहा है, मोहन हैज नॉट रिटेन दिस लेटर बाय टुमारो, मोहन कल तक इस पत्र को नहीं लिख चुका है होना चाहिए, या नहीं लिख चुका होगा क्योंकि टुमारो कल तो अभी आया नहीं, तो यहाँ पे क्या होगा रिटर्न, है ना, थर्ड फॉर्म ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, विल नॉट हैव, विल नॉट हैव, आपका वाक्य सही हुआ, मोहन विल नॉट हैव रिटर्न, नहीं लिख चुका होगा इस पत्र को बाय टुमारो कल तक। सोहन स्पोकन इंग्लिश बाय 3 o'clock, करा सोहन डैश स्पोकन इंग्लिश बाय 3 o'clock, विल बी सेकेंड ऑप्शन, शैल हैव थर्ड ऑप्शन, विल हैव फोर्थ ऑप्शन, शैल कह रहा है सोहन डैश स्पोकन इंग्लिश बाय 3 o'clock, सोहन बाय 3 o'clock, यहाँ पे फ्यूचर टाइम दिया हुआ है ना 3 o'clock, तो यहाँ पे किस ऑप्शन का प्रयोग हो, विल बी, विल की बी के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है फ्यूचर कंटिन्यूअस, ये इसलिए ये ऑप्शन गलत है। सेकंड ऑप्शन क्या रहा है, शैल है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, परंतु यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है सोहन, इसलिए यहाँ ये ऑप्शन कट जाएगा, शैल हैव का प्रयोग वी और आई के साथ करते हैं। थर्ड ऑप्शन है विल हैव, विल हैव का प्रयोग यहाँ पे क्यों होगा, क्योंकि लास्ट में 3 o'clock दिया हुआ है ना, विल हैव स्पोकन इंग्लिश बाय 3 o'clock, सोहन 3 बजे तक इंग्लिश अंग्रेजी बोल चुका होगा। अब देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तीसरा ऑप्शन इस वक्त में सही है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य, तो इसका नियम क्या है देखते हैं। सबसे पहले जब क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में आए, जब क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में फर्स्ट टाइप से, तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखते हैं प्लस हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब में क्या होगी, शैल सब्जेक्ट हैव विल सब्जेक्ट हैव प्लस मेन वर्ब, मेन वर्ब में थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन वर्ड हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब शैल हैव विल हैव, परंतु शैल के बाद सब्जेक्ट
और विल के बाद सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे क्योंकि हमारी हेल्पिंग वर्ब दो शब्दों की है। फिर मेन वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट। आइए एग्जांपल देखते हैं। मोहन एग्जाम परीक्षा से पहले उसे अंग्रेजी क्यों मोहन परीक्षा से पहले किसे अंग्रेजी पढ़ा चुका होगा इसमें क्वेश्चन वर्ड क्या है किसे, तो हम इसी को लिखेंगे पहले हूम। फिर हेल्पिंग वर्ब क्या है मोहन के साथ विल हैव, विल फिर मोहन, मोहन हैव पढ़ाना का टीच, टीच का थर्ड फॉर्म लिखेंगे टाट, टाट पढ़ा चुका होगा क्या अंग्रेजी इंग्लिश। अब क्या कह रहा है परीक्षा से पहले बिफोर एग्जाम एग्जामिनेशन है ना, क्या कह रहा है होम विल मोहन हैव टाट इंग्लिश बिफोर एग्जामिनेशन, परीक्षा से पहले मोहन किसे अंग्रेजी पढ़ा चुका होगा। अगला देखते हैं, तुम सोमवार तक कहां जा चुके होगे, कह रहा सोमवार तक तुम सोमवार तक कहां जा चुके होगे। फेयर Will you have gone? जा चुके होगे by, by या till? Till का अर्थ क्या होता है तक, by या till दोनों का अर्थ सेम होता है तक, Monday, Monday, सोमवार तक कहां जा चुके होगे है ना। Where will you have gone by Monday? तुम सोमवार तक कहां जा चुके होगे। अब देखते हैं जब वाक्य क्या से शुरू होता है, जब वाक्य क्या से शुरू होता है, जब वर्ब क्या से शुरू हो तब हेल्पिंग वर्ब से शुरू करते हैं। हेल्पिंग वर्ब शैल सब्जेक्ट हैव विल सब्जेक्ट हैव प्लस मेन वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब शैल सब्जेक्ट हैव विल सब्जेक्ट हैव मेन वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जांपल देखते हैं,
क्या हम परीक्षा से पहले अपना पाठ दोहरा चुके होंगे? क्या हम परीक्षा से पहले अपना पाठ दोहरा चुके होंगे? तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब देखते हैं। यहां शैल, वी हैव, शैल के बाद वी के बाद है, फिर मेन वर्ब क्या है? रिवाइज, थर्ड फॉर्म रिवाइज, फिर ऑब्जेक्ट क्या है? लेसन मतलब पार्ट। वी के साथ आवर का प्रयोग करते हैं, आवर लेसन अपना पार्ट, परीक्षा से पहले बिफोर एग्जामिनेशन, बिफोर एग्जामिनेशन। परीक्षा से पहले शैल, वी हैव रिवाइज्ड आवर लेसन बिफोर एग्जामिनेशन अपना पाठ, क्या परीक्षा से पहले अपना पाठ दोहरा चुके होंगे? आगे देखते हैं, लर्न हिज लेसन डैश लर्न हिज लेसन बाय नेक्स्ट मंथ, ऑप्शन है फर्स्ट ऑप्शन विल वी डी, सेकेंड ऑप्शन Shall I be, third option will we have fourth option shall I I am been। तो आइए देखते हैं क्या कह रहा है। फर्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है? विल वी बी, विल और बी के बीच में सब्जेक्ट आता है, सही है, परंतु यहाँ पे क्या है? मेन वर्ब थर्ड फॉर्म है, जो कि बी के साथ क्या होता है? आईएनजी फॉर्म आता है, इसलिए ऑप्शन क्या है? गलत है। सेकंड ऑप्शन क्या कह रहा है? सेल आई बी है ना, फ्यूचर कंटिन्यूअस, ये भी हेल्पिंग वर्ब है, इसलिए यह भी गलत है क्योंकि यहाँ पे थर्ड फॉर्म है। तीसरा ऑप्शन क्या करे? विल वी हैव है ना, यहाँ पे टाइम दिया है तो किसमें जाएगा? फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। कह रहा बाय नेक्स्ट वीक, जो आने वाला अगला महीना है, अगले महीने तक अपना पाठ याद कर चुके होंगे। क्या कार्य समाप्ति की कल्पना की जा रही है? विल वी हैव होना चाहिए है ना यहाँ पे। तो चौथा ऑप्शन क्या है? Shall I have been, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस।
फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो यहां पे क्या कह रहा है डैश और तीसरा ऑप्शन में क्या है विल वी हैव। हमारा वाक्य जब हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है ना तो सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है। यहां पे क्या कह रहा है विल वी यहां पे दूसरा कोई सब्जेक्ट चलेगा क्योंकि आई वी के साथ क्या होता है आई वी के साथ साथ शैल का प्रयोग होता है और शेष सभी कर्ताओं के साथ विल का प्रयोग होता है। तो यहां पे दूसरा कोई ऑप्शन आई वी के छोड़कर आएगा है ना यू हैव विल यू हैव लर्न हिज लेसन बाय नेक्स्ट मंथ अगले महीने तक। क्या तुम अगले महीने तक अपना पाठ यहां पे ही होना चाहिए सारी ही क्योंकि आगे क्या लिखा हुआ है हिज लेसन है ना एडजेक्टिव क्या लिया पोसेसिव एडजेक्टिव हिज का प्रयोग हुआ है इसलिए यहां पे ही उत्तम रहेगा ही सही है। विल ही हैव लर्न हिज लेसन बाय नेक्स्ट मंथ क्या वह अगले महीने तक अपना पाठ याद कर चुका होगा। तीसरा ऑप्शन सही होगा यहां पर भी ही का प्रयोग करेंगे ही विल ही हैव होगा विल ही हैव लर्न हिज लेसन बाय नेक्स्ट मंथ। आगे देखते हैं इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य जब क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में आए जब क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में आए क्वेश्चन वर्ड क्या है क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ड शैल सब्जेक्ट नॉट हैव विल सब्जेक्ट नॉट हैव प्लस मेन वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क है ना क्वेश्चन वर्ड हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब ऑब्जेक्ट। तो एग्जांपल देखते हैं मैं अगले सप्ताह तक अपनी पुस्तक क्यों नहीं खरीद मैं अगले सप्ताह तक अपनी पुस्तक क्यों नहीं खरीद चुका होऊंगा। कह रहा है मैं अगले सप्ताह तक अपनी पुस्तक क्यों नहीं खरीद चुका होऊंगा यहां पे वाई का प्रयोग करेंगे वाई हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी सेल यहां पे सेल का प्रयोग करेंगे आई है फिर नॉट का प्रयोग हैव खरीदना मेन वर्ब क्या खरीदना तो यहां बाट का प्रयोग करेंगे बाट क्या खरीदने की बात है अपनी पुस्तक तो आई के साथ माई का प्रयोग करेंगे माई बुक अपनी पुस्तक अगले सप्ताह तक
बाई नेक्स्ट वीक है ना, बाई नेक्स्ट वीक, बाई नेक्स्ट वीक व्हाई शैल आई नॉट हैव बॉट माई बुक बाई नेक्स्ट वीक, अगले सप्ताह तक। आगे अब देखते हैं जब वाक क्या से शुरू होता है, जब वाक क्या से शुरू होता है तब हम कुछ वाक की शुरुआत किससे करते हैं, हेल्पिंग वर्ब से। तो यहां पे क्वेश्चन वर्ड को हटा देंगे है ना, क्वेश्चन वर्ड को हटा दिए, फार्मूला वही रहेगा, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब शायद सब्जेक्ट नॉट हैव, विल सब्जेक्ट नॉट हैव प्लस मेन वर्ब ऑब्जेक्ट क्या, क्या हम अगले वर्ष से पहले, अगले वर्ष से पहले अपने गांव, अपने गांव नहीं जा चुके होंगे, नहीं जा चुके होंगे, जा चुके होंगे। कह रहा है क्या है ना, क्या से शुरुआत है हो रहा है, यहां पे ट्रांसलेशन किससे शुरू करेंगे, वर्ब शैल, शैल वी नॉट, शैल वी नॉट हैव, जाना क्या है मेन वर्ब यहां गॉन, गॉन टू आवर विलेज, आवर विलेज अगले वर्ष से पहले, बिफोर, बिफोर नेक्स्ट वीक ईयर, यहां पे वर्ष है ईयर, अगले वर्ष नेक्स्ट ईयर, बिफोर नेक्स्ट ईयर अगले वर्ष से पहले। कह रहा शैल वी नॉट हैव गॉन टू आवर विलेज बिफोर नेक्स्ट ईयर अगले वर्ष से पहले। आगे क्या कह रहा है देखिए, व्हाई विल ही बी नॉट बी, by next month, इसी तरह के क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे जाते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस से। कह रहा why will he not be read his book by next month, यहां पे क्या बोध हो रहा है by next month है ना, फ्यूचर टाइम दिया लिखा हुआ है बाई नेक्स्ट मंथ अगले महीने तक। करे व्हाई विल ही नॉट बी, जब यहाँ पे फ्यूचर टाइम लगा हुआ है तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब कौन सी होनी चाहिए, फ्यूचर परफेक्ट टेंस की। तो किस पार्ट में गलती है, ए पार्ट में, क्या हो जाएगा यहाँ पे
ही के साथ विल का प्रयोग करते हैं तो यहाँ पे बी के स्थान पर क्या हो जाएगा, हैव, है ना। हम अगले महीने तक अपनी पुस्तक क्यों नहीं पढ़ चुके होंगे। तो फ्रेंड्स यहीं पे इस क्लास को समाप्त करते हैं। अब अगले क्लास में आप लोग पढ़ेंगे लास्ट टेंस फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस।